में हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। जैसे ही अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 का फर्स्ट पोस्टर रिलीज हुआ, वैसे ही ट्रोलर्स ने दिमाग खराब करना शुरू कर दिया है। ट्रोलर्स ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि भैया ये फिल्म नहीं चलेगी, ये फिल्म ऐसी है वैसी है, ये होगा वो होगा। मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत लो, अक्षय कुमार को कॉमेडी में कोई नहीं हरा सकता, अक्षय कुमार का हाथ कॉमेडी में कोई नहीं पकड़ सकता, ये साजिद नाइट वाला ने कल ही कहा। और यहां पे अक्षय कुमार चाहे हेरा फेरी हो, चाहे फिर हेरा फेरी हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, जो भी फिल्म ले लो, चाहे गरम मसाला हो, अक्षय कुमार इज टॉप नॉच कॉमेडी एक्टर। और साजिद नाइटवाला ने यहां तक कहा कि हमने उनके जो कॉमेडी टाइमिंग है उसे बहुत देर के बाद पहचाना, शायद पहले पहचानते तो और शायद फायदा होता। तो साफ है यहां पर जो हंस रहे हैं ट्रोलर्स, हंसने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ट्रेलर आएगा परसों सबकी मुंह पर ताले लग जाएंगे, जिप लग जाएंगे, इतना तय समझिए। वैसे भी अक्षय भी खुद ही चाहते हैं कि भाई हंसो हंसो हंसो, क्योंकि फिल्म हंसने के लिए ही बनी है। तो ट्रोलर अगर हंस रहे हैं तो कॉमेडी टाइमिंग में जो अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार का जो काम है वो आई थिंक सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अक्षय कुमार खुद चाहते हैं सब हंसे। तो अगर ट्रोलर्स वगैरह भी हंस रहे हैं तो साफ साफ है कि ये फिल्म देखकर भी सब हंसेंगे और खुशी से हंसेंगे। और ये फिल्म फैमिली की है फिल्म। और यहां पर अगर उनका एक डायलॉग अगर याद आ रहा है जो मुझे बाला शैतान का साला ट्रोलर्स को अक्षय कुमार ने धो डाला, तो ये कुछ मुझे लग रहा है बना दिया मैंने। आई होप आपको सही लगता होगा वीडियो, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब तो भैया ट्रोलिंग होना ही होना है, अक्षय कुमार के ऊपर क्या क्या कहा जाएगा ये तो आप सोच नहीं सकते, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं जब ट्रेलर आएगा तो धमाका करेगा जो परसों है। कितने एक्साइटेड इसके बारे में जरूर बताइए, और क्या लगता है ट्रोलर्स को क्या राय देना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ मेरा नया चैनल सिनेमा क्रेजीज को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।